नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। हमारे इस खास प्रोग्राम स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस प्रोग्राम में मिलती हैं आपको देश विदेश की सभी बड़ी और प्रमुख खबरें, वो भी विस्तार से। तो बिना देर किए जानते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबरें। सवर्ण लड़की से शादी करने पर दलित नेता की हत्या। मामला उत्तराखंड प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण का है, जहां सवर्ण युवती से प्रेम विवाह करने पर लड़की के घरवालों ने दलित युवक का अपहरण कर हत्या कर दी। प्रेम विवाह करने वाले युगल ने कुछ ही दिन पहले अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। मृतक युवक उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। अभी बीते 21 अगस्त को ही जगदीश चंद्र पुत्र केशराम और गीता और गुड्डी ने गैराड मंदिर में प्रेम विवाह किया। शादी से पहले गुड्डी अपने सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेले भाई गोविंद सिंह के साथ रहती थी। एक दलित से शादी करना उसके सौतेले भाई और पिता को रास नहीं आया और दोनों ने मिलकर जगदीश की हत्या कर दी। अभी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का मामला शांत भी नहीं हुआ कि आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लॉज डिजाइन करने का ठेका दिलाया। इतना ही नहीं, उस लॉज के शिलापट्ट में शिवांगी सक्सेना का नाम भी लिखा है। पार्टी ने एलजी सक्सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग का एक्ट कहता है कि अध्यक्ष पद पर रहकर परिवार के किसी भी सदस्य को काम नहीं दिया जा सकता है। जब ये खादी के अध्यक्ष थे, उस समय इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खादी में जो अपनी सेवाएं देने का विभिन्न पदों के लिए एक्ट बना है, उस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए किसी और को नहीं, अपनी बेटी को खादी के लॉन्च की डिजाइनिंग का जिम्मा दिया, अपनी बेटी को खादी के लॉन्च की डिजाइनिंग का ठेका दिया और उसका नाम मुंबई के उस लॉन्च के उद्घाटन पत्थर पे लिखा हुआ है। यह है वो शिलापट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह है वो खादी का लॉन्च जो मुंबई में बनाया गया और इस खादी के लॉन्च का डिजाइनिंग का ठेका किसी और ने नहीं, वीके सक्सेना जी जब केवीआईसी के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपनी पुत्री शिवांगी सक्सेना को दिया। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हुआ बेनकाब। पूरे देश में कराना चाहते थे कई धमाके। पूर्व संघ प्रचारक यशवंत सिंधे ने वीडियो जारी कर बड़ा खुलासा किया है। यशवंत सिंधे ने अपने वीडियो में कहा है कि साल 2006 के पटबंदरे नगर बम विस्फोट मामले में वह नांदेड़ की एक अदालत में अल्पनामा दायर कर गवाह बन चुका है। सिंधे ने आगे कहा है कि 5 अप्रैल 2006 को नांदेड़ के पटबंदरे नगर में एक धमाका हुआ था। बम बनाते हुए हिमांशु पांसे और कोड़ावर की मौत हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस में कहा गया था कि यह फटाका विस्फोट था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि यह विस्फोट बम बनाते समय हुआ था। इसी मामले में यशवंत सिंधे ने दावा किया है कि 2003 में उसे पुणे के सिंहगढ़ की तलहटी में एक जगह बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। सिंधे का दावा है कि विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मिलिंद पराणे, राकेश धवाड़े और मिथुन चक्रवर्ती उर्फ रविदेव ने बम बनाने की ट्रेनिंग दी। यशवंत सिंधे का यह भी दावा है कि वह नांदेड़ बम विस्फोट में मारे गए हिमांशु पासे और अन्य 20 लोगों के साथ इस ट्रेनिंग में शामिल हुआ था। सिंधे ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिंधे का दावा है कि साल 2004 में देश भर में बम विस्फोट की साजिश रची गई थी, लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया।
शिंदे ने वीडियो में बताया कि वह नांदेड़ में कई बार हिमांशु पांसे से मिलने गया और उनसे कहा कि ऐसा न करें, लेकिन 2006 में हिमांशु और एक अन्य की बम बनाते हुए पटबंदरे नगर में विस्फोट से मौत हो गई। इस मामले के कुछ आरोपी अभी भी नांदेड़ अदालत में विचाराधीन है। यशवंत शिंदे ने विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद पराणे, राकेश दमाड़े और मिथुन चक्रवर्ती उर्फ रविदेव से उनके खिलाफ गवाही देने को कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नांदेड़ कोर्ट ने शिंदे की ये अर्जी स्वीकार भी कर ली है, जिस पर अगली सुनवाई आगामी 22 सितंबर को होने वाली है। यशवंत शिंदे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी 1995 साली जम्मू काश्मीरला प्रचारक। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आया एक ऐसा मामला जिसने शिवराज सरकार के झूठे विकास की पोल खोल दी। देखिए कैसे एक सरकारी स्कूल में थाली नहीं होने पर मिड डे मील का खाना सीधे बच्चों के हाथ पर परोसा जा रहा है। देश के भविष्य के साथ शिवराज मामा इस तरह का भद्दा मजाक करके अपने आप को गरीबों का हितैषी कहते नहीं थकते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, क्या आपके सगे भांजों के साथ ऐसा व्यवहार करने पर भी आप इस तरह नजरअंदाज करते? जवाब जरूर दीजिए कंस मामा। संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता गुजरात के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी बंजारा से पूछा, क्या आप खुद संस्कृत में एक लाइन भी बोल सकते हैं? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता डीजी बंजारा की फजीहत तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनसे संस्कृत में एक लाइन बोलने के लिए कहा, या फिर दायर की गई याचिका को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कहा। इसके उत्तर में डीजी बंजारा साहब संस्कृत का एक श्लोक सुनाने लगे। इसके जवाब में बेंच हंसते हुए बोली कि यह सबको आता है। सोचिए देश में हो क्या रहा है, किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो किसी को राम राज्य लाना है, अब इन साहब को संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा बनाने की पड़ी है। देश में सेवा तोड़ने की राजनीति के अलावा इनके पास और कोई काम है ही नहीं। देश बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी से करा रहा है, लेकिन इन जैसे लोगों को इन सभी आम नागरिकों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, केवल मूत्र पीकर और गोबर खाने में ही मस्त हैं। 21वीं सदी में कैसे एक दलित नेता की सवर्ण लड़की से शादी करने पर सरेआम हत्या कर दी जाती है, इस बात पर कोई चर्चा नहीं करेगा, न तो सत्ता में बैठे नेता न विपक्ष के नेता, क्योंकि मरने वाला एक दलित है। और इस देश की नफरती मीडिया बस यह तो 24 घंटे नफरत फैलाने में मस्त है। अपने आकाओं को खुश कैसे रखा जा सकता है, 24 घंटा बस यही सोचने में व्यस्त है। जो सरकार वंशवाद के खिलाफ नारा लगाकर सत्ता में आती है, उसी सरकार के नुमाइंदे और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कैसे अपनी लड़की को नियमों को ताक पर रखकर 80 करोड़ रुपए का ठेका दिला देते हैं। मीडिया इस पर भी खबर कभी नहीं बनाएगी, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं ये स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी। इस प्रोग्राम में आपको मिलेंगी देश विदेश से लेकर आपके गांव शहर तक हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, क्या सुझाव है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।